حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد فقد قضى شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان صلوات الجمع یہ اللہ کی اس صلوات شعبانیہ کا ہے کہ جسے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے اور اس شعبان کے مہینے میں ہر روز زوال کے وقت اس صلوات شعبانیہ کی تاکید کی. ھذا شہر نبیک سید رسلک, یہ مہینہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جو رسولوں کا سردار ہے. یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے, اسے تو نے اپنی رضا سے اور اپنی خوشنودی سے بھر دیا ہے. جہاں ایک طرف ایک صلوات شعبانیہ ہے, وہیں دوسری طرف ایک مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ جہاں چوتھ جہاں صلوات شعبانیہ چوتھے امام سے ہے, وہی مناجات شعبانیہ مولا امیر المومنین سے. اور اس مناجات شعبانیہ میں بھی جو فقرے ہیں وہ ان کا انداز بالکل وہی دعائے کمیل اور دعائے عرفہ والا ہے. الہی ان حرمتنی ومن ذا الذی یرزقنی, معبود اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون ہمیں رزق دے گا. وَإِنْ خَزَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي, اور اگر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو کون ہماری مدد کرے گا. اب اس طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, اور اللہ کا کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنا آپ غور کرتے جائیے اتنا ہی دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں. بالکل یہی کمال معصوم کے کلام کا ہے کہ جتنا زیادہ معصوم کے کلام میں آپ غور کرتے جائیے, چاہے معصوم کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہوں یا دعائیں ہوں
या मुनाजातें हों, आप जितना ज्यादा उसमें गौर करते जाइए कि झूले के ऊपर, उतना ही ज्यादा अक्ल के दरवाजे खुलते चले जाते हैं और नई नई चीजें उसमें से निकलती चली आती हैं। और जब भी पढ़िए आपको नया लगता है, पुरानापन नहीं आने पाता है। आप कुरान मजीद एक नहीं 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, आपको नया ही लगेगा। यही सूरत मासूम के मुनाजात की है, मासूम की दुआ की है, मासूम के कलाम की है। अब एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार पढ़ो, आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे ही लिए है, हम ही इसके सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं। अब यही जुमले की जो मैंने आपकी खिदमत में इसी मुनाजात शाबानिया के पेश किए हैं कि हादा इलाही इन हरम तनी फमंदल लदी यरज़ुकुनी, माबूद अगर तूने मुझे महरूम कर दिया तो हमें कौन देगा। आम तौर से दुनिया में इंसान अल्लाह की तरफ से गाफिल हो जाता है और वो सोचता है कि बस हम ही सब कुछ है, और जो हमारे इख्तियार में चीज़ें हैं वो वही सब कुछ हैं, और जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सब कुछ हैं। लेकिन अगर ज़रा सा इंसान गौर करे, और होता भी यही है कि एकदम से कहाँ कि देर नहीं लगती है पहले नंबर से 30वें नंबर पे आने में। मालूम है कि अभी दुनिया में पहले नंबर पे थे, गिरे धाम से 30वें नंबर पे आ गए, और मालूम है 30वें से भी और नीचे चले गए। ऐसे ऐसे अफराद देखे गए हैं कि मालूम है एक दिन में मालूम है पूरी दौलत चली गई, और ऐसे ऐसे भी अफराद देखे गए कि एक ही दिन में दौलतमंद हो गए। ये दौलत जिंदगी की कामयाबी का मेयार नहीं है कि अगर दौलत आ गई तो हम बड़े कामयाब हैं, और दौलत चली गई तो हम बहुत ही खसारे में और बड़े नुकसान में और बहुत ही नाकाम हैं और नामुराद हैं। ये चीज़ें जिनका ताल्लुक हकीकत में दुनिया से है, ये आने जाने वाली हैं। इंसान का काम है अपनी कोशिश भर, अपनी मेहनत भर, अपनी ताकत और कुव्वत भर कोशिश और मेहनत करते रहना, और नतीजे को अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। जो भी अल्लाह ने हमें इख्तियारात दिए हैं, जो ताकत दी है, जो कुव्वत दी है, इन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जायज तरीके से, इस कुव्वत और ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमने अपने तौर के ऊपर मेहनत की, कोशिश की, अब जो कुछ मिला इसी के ऊपर सब्र और शुक्र, इसी के ऊपर सब्र और शुक्र। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाज़ अफराद देखे गए हैं कि बहुत ही मामूली से कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा मिल जाता है। कभी कभी इसका बरक्स होता है कि बहुत ज्यादा कोशिश होती है लेकिन कुछ नहीं मिलता या थोड़ा सा मिलता है। ऐसा भी दुनिया में, और आए दिन सब मिसालें आपके सामने। तो ये जितनी भी दुनिया से मुताल्लिक चीजें हैं इनसे दिल नहीं लगाना चाहिए, दिल सिर्फ याद इलाही से, सिर्फ अल्लाह से और औलिया इलाही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो औलिया इलाही उनकी याद भी अल्लाह की याद है। जब इंसान अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह से करीब होता है, तो फिर जितनी भी दुनिया और इससे मुताल्लिक चीजें हैं वो सब इंसान की नजर से गिर जाती है। जब इंसान अल्लाह से करीब होता है तो अल्लाह से करीब होने के नतीजे में जितनी भी दुनिया और दुनिया से मुताल्लिक चीजें हैं सब गिर जाती हैं इंसान की नजर से, और इनकी कोई हैसियत नहीं रहती है, इनकी कोई वक्त नहीं रहती है। और यही वजह है कि आप अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि खुद इमाम ने एक मकाम के ऊपर इसी कलेमात कसार में फरमाया है कि दुनिया दुनिया की मिसाल तो ऐसी है कि भागोगे इसके पीछे तो भगाएगी, दौड़ाएगी, हैरान करेगी, इसको इसके हाल पे छोड़ दो पीछे पीछे आएगी।
حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے. انسان کبھی تجربہ کر کے دیکھ لے کہ تھوڑا سا دنیا کی طرف سے اپنی توجہ اور دل ہٹا کے دیکھے, پیچھے پیچھے آئے گی. کل تک ہم کوشش کر رہے تھے, بھاگ رہے تھے دنیا کے لیے, یہ مل جائے وہ مل جائے, یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں, ہو نہیں پا رہا تھا. آج ہم نے کہا کچھ نہیں چاہیے معبود, تو مجھے مل گیا بہت بڑی بات ہے. اب پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے سب کچھ, پیچھے پیچھے. جس کی مثال خود آپ کو تاریخ میں مل جائے گی, امیر المومنین نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اب تیرے طرف رجوع بھی نہیں کر سکتا ہوں. اے دنیا چلا, چلی جا میرے پاس سے, ہٹ جا میرے پاس سے, میں نے تو 3 مرتبہ تجھے چھوڑا ہے. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع بھی نہیں کر سکتا انسان. پہلی مرتبہ طلاق ہوئی, ہو سکتا ہے کہ مصالحت ہو جائے, کچھ سمادھان ہو جائے, پھر انسان نکاح کر کے لے آئے. اگر عدے کے اندر سمادھان ہو گیا تو بغیر نکاح کے لے آئے. دوسری مرتبہ طلاق ہوا پھر گئی, پھر اگر عدے کے اندر بات بن گئی بغیر نکاح کے, عدے کے بعد بات بنی ویسے پھر لے آؤ نکاح کر کے. 3 مرتبہ دنیا تجھ کو میں نے چھوڑا, جس کے بعد ہم رجوع بھی کر سکتے ہیں امیر المومنین. لیکن کیا ہوا, یہی دنیا کی جس کو مولا نے 3 مرتبہ طلاق دیا تھا, یہی دنیا پیچھے پیچھے آئی, یہی دنیا پیچھے پیچھے آئی, یہی حکومت, یہی خلافت. اور امیر المومنین کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے پورا مدینہ آواز دے رہا تھا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ, ہم بیعت کریں گے, آپ ہمارے حاکم ہو. کل تک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. امیر المومنین خود کہہ رہے تھے کہ میں اللہ نے, رسول نے اپنا جانشین, اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے, تم قبول کرو. کل مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور آج اسی علی کے دروازے کے اوپر. تو عزیزان محترم, الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی, معبود اگر تو نے مجھے محروم کر دیا تو کون ہمیں رزق دے گا. اور وَإِنْ خَزَلْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُنِي, اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو کون میری مدد کرے گا. اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے, کبھی کبھی انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ ہم تو بڑے طاقت والے, بڑے قوت والے ہیں, یہ ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ, یہ ہمارے اختیار میں وہ ہمارے اختیار میں. اس کے سب کے باوجود جب وقت آ جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ہے اور سب تھرا کے تھرا رہ جاتا ہے. اسی کے برخلاف کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لیکن انسان کے پاس روحانی طاقت ہے, مانوی قوت ہے, اس کا اللہ سے رابطہ مضبوط ہے, اولیاء الہی سے اس کا رابطہ مضبوط ہے. تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر دنیا نے, پوری دنیا دشمنی کے اوپر اتارو ہو گئی ہے, تب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے, پوری دنیا کی دشمنی کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگڑا ہے. بڑی بڑی قوتیں, بڑی بڑی طاقتیں دشمن ہو گئیں. الہی ان خذلتنی, اگر معبود تو نے مجھے چھوڑ دیا تو کون میری مدد کرے گا. اور دنیا میں آپ مثالیں موجود ہیں, قرآن میں بھی آپ کو مثالیں اور واقعات مل جائیں گے ایسے کہ جہاں سامنے قوت تھی, طاقت تھی, اختیارات تھے, حکومت تھی, رابطے تھے, سب کچھ تھے, سب رکھا رہ گیا, دوسری طرف کچھ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود کامیاب رہے, سربلند رہے, اپنے مقام کے اوپر جمے رہے. تو تاریخ اسلام میں بھی آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی کہ معبود اگر تو نے چھوڑ دیا تو ہماری کون نصرت کرے گا, ہماری کون مدد کرے گا. جنگ بدر میں رسول اللہ کے کتنے سپاہی تھے؟ 313. اور مقابل والے کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ کفار مشرکین کا لشکر کتنا بڑا تھا؟ 1200.
इधर 313 है उधर 1200 है। जो 313 थे इनके पास कुछ नहीं था, आमतौर लश्कर जा रहा तलवार तो होना चाहिए, तीर तो होना चाहिए, नैजा तो होना चाहिए, घोड़ा तो होना चाहिए, कुछ नहीं है, न तीर है न तलवार है न घोड़ा है, कुछ नहीं, ये निकल पड़े ऐसे ही। सिर्फ 12 तलवारें और 2 घोड़े लश्कर इस्लाम के पास, 12 तलवारें, 313 में सिर्फ 12 तलवारें 2 घोड़े। उधर जो 1200 का लश्कर था उनके पास, सबके पास घोड़ा है, सबके पास तलवार है, सबके पास नैजा है, सबके पास तीर कमान है, सबके पास ढालें हैं, सबके पास खोद है, पूरे जंगी साजो सामान के साथ बाकायदा लड़ने आए हैं। ऐसे हालात में अगर जंग हो, किसकी जीत होगी, कौन कामयाब होगा? जिनके पास असबाब है, जिनके पास हालात हैं, तो जंग की तैयारी करके आए हैं, वही जीतेंगे, वही कामयाब होंगे। और जिनके पास कुछ नहीं वो हारेंगे। लेकिन आप तारीख उठाकर देखिए, कुरान मजीद का मुतालिया कीजिए, जिनके पास सब कुछ था वो हार गए, और जिनके पास कुछ नहीं था वो जीत गए। यही मुराद है, इलाही इन खजलतनी, माबूद अगर तूने मुझे छोड़ दिया फिर कौन मेरी मदद करेगा? लिहाजा अस हकीकत में कुव्वत और ताकत खुद इलाही कुव्वत और ताकत है कि जो मोमिन को हौसला अता करती है, मोमिन को कुव्वत देती है, मोमिन को ताकत देती है। और यही कुव्वत और ताकत और यही हौसला करबला में देखने को मिला। कहां अगर कम से कम तादाद में आपकी खिदमत को बयान कर रहा हूं, जो करबला में कम से कम तादाद तारीख में लिखी गई वो 30,000 की थी। यजीदी लश्कर जो था वो 30,000, ये सबसे कम तादाद तारीख में, वरना इससे ज्यादा तो 60,000 और 70,000 और लाख और 2 लाख तक की है। अगर आप 30,000 भी ले कि 30,000 का लश्कर सामने है, और इधर कितने थे 72, तो 72 के लिए कितना बड़ा लश्कर चाहिए? ज्यादातर 700 आदमी हो जाते अगर इधर 72 थे, उधर 700 हो जाते, 1,000 हो जाते, 2,000 हो जाते, 5,000, 10,000 का लश्कर हो जाता। लेकिन 30,000 का लश्कर, ये कम तादाद बता रहा हूं मैं, 30,000 का लश्कर और इधर सिर्फ 72। वो कौन सी चीज थी कि जो इन 72 को अपनी जगह के ऊपर जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो बिल्कुल, और अपनी जगह के ऊपर जमे हुए, अपने दीन के ऊपर, अपने ईमान के ऊपर, और उधर थे तो वो हजारों में और लाखों में, लेकिन सबके अंदर बेकरारी, बेचैनी, घबराहट, डर, खौफ। आप इसका तजुर्बा दुनिया में भी कर सकते हैं, जब हम कभी कभी अल्लाह से दूर हो जाते हैं और हमारी जिंदगी मासियत में, मुखालिफत में, हराम में बसर होने लगती है, तो अंदर से घबराहट, बेचैनी, बेकरारी, टेंशन, नींद ना आना, और यही जिंदगी अगर जरा सा हमने तौबा और इस्तगफार करने के बाद अपने को अल्लाह से करीब किया और उसकी याद में बसर होने लगी, सुकून, इत्मीनान हासिल हो जाता है। अब जैसा भी हो हालात, कारोबार चल रहा हो ना चल रहा हो, हालात जैसे भी, लेकिन एक इत्मीनान है, एक सुकून है। करबला में यही चीज, उधर सब कुछ था, उधर सब कुछ था, दौलत थी, सरवत थी, हुकूमत थी, इख्तियारात थे, लेकिन क्या नहीं था? अल्लाह नहीं था, याद इलाही से गाफिल थे, दुनिया से वाबस्ता थे। नतीजा क्या है? घबराहट है, बेचैनी है, बेकरारी है, डर है, खौफ है, और इधर
बहत्तर हैं लेकिन इत्मीनान, इत्मीनान है, बहत्तर है लेकिन इत्मीनान है। ये किस चीज का इत्मीनान था? इत्मीनान यही था कि हम अपने मौकिफ के ऊपर, हमारा जो मौकिफ है वो सही है, हमारा जो मकसद है वो सही है, हमारा जो हदफ है वो सही है। इत्मीनान जो था उस बुनियाद के ऊपर, और इसी को इमाम हुसैन ने जिस वक्त जनाब अब्बास खैमे से निकलने लगे, आपने बाकायदा बयान फरमाया है, भैया अब्बास तुम्हारे जाने से एक अब्बास और पूरे यजीदियों की नींद उड़ी हुई है, एक अब्बास की वजह से हजारों और लाखों का लश्कर और एक अब्बास की वजह से नींद उड़ी हुई है। भैया अब्बास तुम्हारे जाने से जो आंखें तुम्हारे खौफ से जागा करती थी अब वो आराम से सोएंगी, और ये अहले हरम जो तुम्हारी वजह से सो जाया करते थे अब जालिमों के खौफ से जागा करें। आजादारों, जिस वक्त जनाब अब्बास खैमे से बरामद हुए और मक्तल का रुख किया, क्योंकि जनाब अब्बास का मकसद था पानी, इस वक्त फरात पर पहुंचे हैं, मशकीजे को भरा है, तो आपकी कोशिश यही थी कि ये एक मशकीजा पानी खयाम हुसैनी तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत। लिहाजा तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जनाब अब्बास खैमे की तरफ चले जा रहे थे। एक मरतबा उमर साद रकाबों पे जोर देके घोड़े पे खड़ा हो गया और फौज को ललकारा, फौज वालों अगर ये एक मशकीजा पानी खयाम हुसैनी तक पहुंच गया तो फिर तुम इनसे जंग नहीं कर पाओगे, ज्यादा करीब करीब आ जाओ। लश्कर करीब करीब होने लगा और जनाब अब्बास तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए मक्तल से खैमे की तरफ चले जा रहे हैं कि इसी दरमियान एक जालिम ने ऐसा वार किया कि गाजी का दाहिना काला शाना कलम हो गया। हिम्मत नहीं हारी अज़ाज़ारो, आगे बढ़े, एक जालिम ने फिर वार किया, दूसरा शाना भी कलम हो गया। गाजी ने अपने सीने को मशकीजे के ऊपर रख दिया, अगर शाने नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन पानी तो है, मशकीजा तो सलामत है। इसी दरमियान एक तीर आया और तीर मशक सकीना पर लगा, मशकीजे पर तीर का लगना था कि अब्बास की उम्मीद और हसरत खाक में मिल गई। एक मरतबा घोड़े के रुख को फिर मख्तल की तरफ मोड़ा, अजादारों जैसे ही खैमे से मख्तल की तरफ घोड़े को मोड़ा है, बस एक तीर आया और तीर आके आंख में लगा। अजादारों चाहा कि झुक के इस तीर को इन जानुमों की मदद से निकालें, किसी दरमियान एक जालिम ने ऐसा गुर्ज मारा, गाजी घोड़े पर संभल न सका, आवाज दी आका, गुलाम ने अपने को कुर्बान कर दिया। जैसे इमाम के कानों में आवाज आई, कमर को पकड़ लिया, अलान इनकसरा जहरी, ए भैया अब्बास तेरे मरने से हुसैन की कमर टूट गई, राहे चारों तदबीर मसलूक, अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन, सयालमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लबून, बिहक़ अज़्ज़हरा वाबीहा वबअलिहा वबनीहा। महबूद शाबानुल मौज़्ज़म, शब जुमा, शब रहमत, शब बरकत, शब मग़फ़रत, शब दुआ और मुनाजात, तेरी बारगाह में हम सब गुनहगार और ख़ताकार हाजिर हैं। मालिक हमारी गलतियों और गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारे तमाम उमूर की इसलाह फरमा, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, बार इलाह तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मोमिनीन जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मकामात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मराजे की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकतों को जलील खार और नीस्त नाबूद फरमा,
بار الہ پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما, دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما, جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما, ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما, وتقبل منا انك انت السميع